हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अरुण, आपका ऑनलाइन सिस्को ट्रेनर, और आपका सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर अपनी नई और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज मैं आपको वेल नोन मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा। इस वाली वीडियो में नेक्स्ट ऑफ एट्रीब्यूट जो वेल नोन मैंडेटरी है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले टोपोलॉजी की तरफ एक बार नज़र डाल लीजिए। ये है AS100, ये है AS200, ये है AS300। ये यहाँ तक कल वाली वीडियो में, वेट वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने यहाँ तक बनाया था इसमें, और आज एडिशन कर दिया AS300 को और ऐड कर दिया इसमें। AS300 से AS200 के बीच में BGP रिलेशनशिप बना लीजिए, और AS100 और AS200 के बीच में भी BGP रिलेशनशिप रहेगी। AS200 में बिल्कुल फुल मैश है, IBGP फुल मैश बनाया गया है, रिवर्जन 2 को यूज किया गया है। AS300 में 6.00 BGP का राउट है जो BGP में डाल दिया गया है। एक और है 66.00, वो BGP में डाला गया है। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। R5 पर जाकर कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। आप यहाँ नज़र डालिए, शो आईपी बीजेपी, शो आईपी राउट बीजेपी, बीजेपी के राउटिंग टेबल देख रहा हूँ। तो आप यहाँ देखिए 4.01 है ये वाला, 66 है यहाँ का, ठीक है, वाया 80.6 से मिलता है इस वाले से, और 6.0 है YIT। ये सब BGP के राउट हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो ये 1.0 यानी AS100 का कोई भी राउट नहीं आ रहा है जो मैंने कल यहाँ पर डाला था। लेकिन ये 1.0 कहाँ होगा, अगर मैं इसे दिखाता हूँ आपको R3 पर। अगर आप R3 पर देखें, शो आईपी राउट बीजेपी, बीजेपी की राउटिंग टेबल देख लेते हैं, बीजेपी कौन से राउट लर्न किए हैं इस राउटर ने। बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए 1.0 है जो वाया 20.1 लर्न होता है, मीन्स इस वाले इंटरफेस से लर्न हो रहा है। ये 1.0 एस बीजेपी यानी AS100 का राउट है, और 4.0, 5.0 AS200 का राउट है। यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पर AS300 का राउट नहीं आया है। और अगर आप R5 पर देखते हैं, यहाँ पर AS100 का राउट नहीं आया, मीन्स अगर R5 की अगर मैं बात करता हूँ, ये जो राउटर है R5 पर, इस वाले एस के राउट है EBGP नेबर्स के, अपने इंटरनल BGP के राउट्स हैं। इस पे ये वाला राउट था 4, 5 इसका लोकल है, ये BGP में राउट डाला हुआ है। 6 और 66 हैं लेकिन 1 नहीं है। अगर मैं R3 पर देखता हूँ तो AS100 का राउट है, इसके अपने लोकल एस के राउट हैं, लेकिन ये राउट नज़र नहीं आ रहा। कहाँ नहीं नज़र नहीं आ रहा, राउटिंग टेबल में नज़र नहीं आ रहा। अब मैं AS100 के राउटर पर जाकर आपको दिखाता हूँ। R1 पर जाइए और आप यहाँ शो आईपी राउट BGP कीजिए, तो यहाँ पर AS200 के राउट नजर आएंगे, 4 और 5, ये 4 और 5 इसके राउट हैं, लेकिन AS300 का कोई भी राउट इसके पास नहीं आया है। ठीक है, अब BGP टेबल को चेक करना शुरू कर देते हैं। ये मैंने आपको राउटिंग टेबल दिखाई है, टोपोलॉजी टेबल जिसे BGP टेबल कहते हैं, वो भी देखिए R1 पर। अब शो आईपी BGP करते हैं तो 1.0 इसका लोकल राउट है, 4.0, 20.3, 10.2, 5.0, 10.2, 20.3 से आ रहा है, जैसे मैंने कल वेट वाली वीडियो बताया था। और आप देख सकते हैं वेट वैल्यू अभी भी ऑलरेडी सेट है, लेकिन यहाँ देखने वाली क्या बात है, AS300 का राउट यहाँ पर नहीं आ रहा है। सेम कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको AS300 पर दिखाता हूँ, तो यहाँ भी आप देखिए, यहाँ 4 और 5 है, AS200 का राउट है, ये देख लिए 200 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 6 और 66 इसके लोकल हैं, लेकिन AS100 का राउट ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से AS100 इस AS को ट्रांजेक्ट करके 300 पर नहीं जा पा रहा, सेम 300 भी यहाँ नहीं जा पा रहा। तो ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम है यहाँ पर नेक्स्ट ऑफ एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट ऑफ एट्रीब्यूट कैसे प्रॉब्लम कर रहा है, अब देखिए यहाँ 5 पर मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपसे बताया था। अब 5 की यहाँ देखिए 4666 है इसकी BGP टेबल पर, एक बार नज़र डाल लेते हैं। अब BGP में टेबल में देखें तो 1 दिख रहा है, 1 है, और 20.1 और 10.1 से आता है, 4, 5, 6, 66 है।
वन इसकी बीजीपी टेबल में तो शो हो रहा है, लेकिन राउटिंग टेबल में अगर आप देखें तो यहाँ कहीं भी शो नहीं होता है। रीजन क्या है, आप यहाँ देखिए वन के आगे केवल स्टार का साइन लगा हुआ है, दो नेबर से मिलता है और दो जगह से मिल रहा है, मीन्स पांच को यहाँ से और यहाँ से मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये वैलिड तो है लेकिन बेस्ट नहीं बन पा रहा, ये साइन जो आना चाहिए ये नहीं आ रहा है। जब तक ग्रेटर साइन इसके आगे नजर नहीं आएगा ये राउटिंग टेबल में प्लेस नहीं हो पाएगा। मीन्स बीजीपी को क्या लग रहा है, ये राउट वैलिड है, सब कुछ ठीक है, एट्रीब्यूट्स वगैरह सब सही लगे हुए हैं, लेकिन क्या है ये अभी राउटिंग टेबल में मीन्स इस राउट को आगे फॉरवर्ड करने की सिचुएशन में भी नहीं आ पाया है, क्योंकि ये बेस्ट कंडीशन को मैट नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है, अब आप यहाँ पर नजर डालिए, ये जो राउटर है इसका नेबर एक ये है, IBGP, एक नेबर ये है और एक नेबर ये है, तो इधर से आने वाले राउट में जो नेक्स्ट हॉप होना चाहिए वो ये होना चाहिए, मीन्स 50 AIP होनी चाहिए, जो राउटर पर 50.3 AIP पड़ी हुई है वो होनी चाहिए, इधर से लर्न करता है तो होनी चाहिए 30.2। लेकिन अगर आप R5 पर नजर डालते हैं तो आप देखेंगे प्रॉब्लम ये है, 1.0 मिल रहा है 20.1 से, यानी ये IP, 1.0 ही मिल रहा है 10.1 से, ये वाली IP, मीन्स नेक्स्ट हॉप में जो IP एड्रेस आ रहे हैं वो दूसरे AS के आ रहे हैं जहां से वो राउट ओरिजिनेट हुआ था, यानी R1 की IP यहाँ पर आ रही है और जबकि आनी चाहिए यहाँ पर, और ये जो 20.1 और 10.1 है ये रीचेबल नहीं है, मीन्स माना ये जाता है IGP देख लीजिए या BGP में देख लीजिए या किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल का जो बेसिक लॉजिक है, जो नेक्स्ट हॉप का जो बेसिक लॉजिक है वो क्या है कि नेक्स्ट हॉप IP एड्रेस हमेशा आपसे रीचेबल होने चाहिए और नेक्स्ट हॉप हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स को कहा जाता है, राउटर्स के जो इंटरफेस है उन्हें कहा जाता है। लेकिन BGP में ये रूल थोड़ा सा ओवरराइड हो जाता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कि जब भी कोई EBGP से कोई राउट कोई EBGP नेबर रिसीव करता है, मीन्स EBGP से 1.0 से AS100 का जो बॉर्डर राउटर्स है उसने एक राउट डाला, इस पर एक्सटर्नली BGP से यहाँ पर आ गया, लेकिन EBGP से लर्न राउट को जब IBGP पर डाला जाता है तो ये जो एडवर्टाइजिंग राउटर है R3 जो इस सिचुएशन में है वो उस नेक्स्ट हॉप को मॉडिफाई नहीं कर पाता, मीन्स जैसा ही अपडेट मिला था वैसा ही फॉरवर्ड कर दिया जाता है IBGP पर, और यही सिचुएशन हुई, इसने राउट को इसने R1 से राउट लर्न किया, लर्न करने के बाद R5 पर डाल दिया, एज इट इज डाल दिया, उसे क्या करना था अपना नेक्स्ट होप यहाँ पर मॉडिफाई करना था, यानी 50 वाली IP डालनी थी और ये 20 वाली IP हटानी थी, लेकिन प्रॉब्लम है नेक्स्ट होप की वजह से इसलिए हटा नहीं पाया और ये यहाँ पर पहुंचा, राउट वैलिड है सब कुछ ठीक है उसके अंदर, लेकिन जो नेक्स्ट होप की IP है वो इसके साथ मैच नहीं कर रही, इसका नेक्स्ट हॉप होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड जो नेक्स्ट हॉप था वो 50.3 होना चाहिए था लेकिन वो निकला 20.1, तो इस वजह से नेक्स्ट हॉप की रीचेबिलिटी में इश्यू आ गया। तो ये एट्रीब्यूट जो था एक तरीके से एरर दे रहा है, नेक्स्ट हॉप वेल नोन मैंडेटरी है, BGP हर अपडेट में होगा, ठीक है होने के बाद दिख तो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई, एक्सटर्नली BGP जो रिलेशनशिप है उसके रूल्स की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आई और ये मेरा नेबर रीचेबल नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस राउट को अगर आगे भेजना है, और जब तक ये बेस्ट राउट नहीं होगा ये BGP इस राउट को आगे कहीं नहीं भेजेगा, किसी दूसरे AS के अंदर ट्रैवल नहीं करा पाएगा, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ दो तरीके नजर आते हैं, या तो आप इस 20.1 को रीचेबल बना दीजिए, मीन्स इस राउटर से ये 20.1 रीचेबल होना चाहिए, इसकी जो नॉर्मल IP राउटिंग टेबल है उसके अंदर 20 का नेटवर्क आ जाना चाहिए, उसके लिए आप यहाँ पर रिप लगाइए, स्टेटिक राउट लगाइए, कुछ भी लगाइए तो ये काम बन जाएगा, ये नेक्स्ट हॉप वैलिड हो जाएगा, नेक्स्ट हॉप रीचेबल हो जाएगा, जैसे IBGP में नेक्स्ट हॉप कहीं भी हो सकता है, या BGP में इस एट्रीब्यूट को ही चेंज कर देते हैं, आपको एक कमांड लगानी होगी जो मैंने बेसिक कन्फिग्रेशन में भी आपको लगाकर दिखाई थी, वो है नेक्स्ट हॉप सेल, तो हम यहाँ नेक्स्ट हॉप सेल का यूज कर लेंगे, और मेरी बात को बहुत नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप इंटरनल BGP नेबर्स बनाएंगे, एक्सटर्नल BGP भी होंगे और इंटरनल भी होंगे, तो आपको इंटरनल BGP नेक्स्ट हॉप सेल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम अभी आपने देखी ये ना आए। तो मुझे क्या करना है, अपनी हर IBGP रिलेशनशिप हर राउटर के जितने भी है उनमें नेक्स्ट हॉप सेल्फ लगाना होगा, जिससे क्या होगा ये राउटर EBGP से लर्न राउट को जब अपने IBGP नेबर के ऊपर डालेगा तो नेक्स्ट हॉप को मॉडिफाई कर देगा और अपने जो इंटरफेसेस हैं जिनसे उसने नेबरशिप फॉर्म की हुई है इंटरनल BGP उनके IP एड्रेस को एज ए सोर्स IP एड्रेस यूज करेगा और आपकी ये जो प्रॉब्लम आपने देखी है ये सॉल्व हो जाएगी। तो नेक्स्ट हॉप में बस इतना सा ही चेंजेस किए जाते हैं और बाकी जो डिसीजन क्राइटेरिया है वो यही कहता है, अभी आपने देखा डिसीजन राउट पर तभी लिया जा सकता है जब नेक्स्ट हॉप रीचेबल होगा,
तो रीचेबल करने के दो तरीके हैं, या तो इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल के थ्रू उस नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस को रीच कराइए, या नेक्स्ट हॉप को यूज कर लीजिए। तो मैं आपको नेक्स्ट हॉप सेल्फ लगाकर दिखा देता हूँ, आप देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ कौन कौन से नेबर हैं, वैसे तो मुझे याद है। चले जाते हैं राउटर BGP 200 के अंदर, और मैं कमांड लगा रहा हूँ नेबर। नेबर है मेरे जितने भी इंटरनल हैं 30.0.0.3, और आप लगा दीजिए नेक्स्ट हॉप सेल्फ, और 40.4 40.0.0.4, और इसका है 50। ठीक है, ऐसे ही आर टू पर चला जाइए, जितने भी ये वाले हैं आपके राउटर्स हैं सब पर आप लगाइए राउटर BGP 200। ये नेबर है मेरे, ये नेबर आपका है 30.2। नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, फिर है नेबर आपका 50.5। नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, और नेबर है आपका एक और इंटरनल BGP 60.4। ये मुझे इससे पता लग रहा है, एस नंबर से दिख रहा है सेम एस हैं, तो ये मेरे IBGP हैं। और अब बचा आपका R5, इसमें भी यही काम करना है आपको। लगा दीजिए नेबर जितने भी आपके इंटरनल BGP हैं 30.2। ठीक है, नेक्स्ट हॉप सेल्फ, और नेबर है आपका 50.3। नेक्स्ट हॉप सेल्फ, इसके बाद है नेबर 60.4। नेक्स्ट हॉप सेल्फ, एक और राउटर बचा आपका R4। राउटर BGP 200, यहाँ देखिए 40.2 जो नेबर है उससे एक प्रीफिक्स लर्न होता है, 50.3 एक प्रीफिक्स होता है, ये है टुवर्ड्स AS100 की तरफ, और 60.5 यहाँ से ये तीन पाथ लर्न कर रहा है, तीन प्रीफिक्सेस हैं, दो इधर से मिले इसे EBGP से लर्न हुआ, और इसने अपने IGBP डाल दिया तो इससे दो मिले, और एक इसका अपना, तो तीन मिल रहे हैं। 70.6 से दो मिलते हैं, इसी EBGP इसके दो हैं तो दो प्रीफिक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, बना दीजिए नेबर, कोई काम करना है 40.2 से नेक्स्ट हॉप सेल्फ रहे, मैं अपना ही नेक्स्ट हॉप डालूं, और नेबर 50.3 नेक्स्ट हॉप सेल्फ, और नेबर 60.5 नेक्स्ट हॉप सेल्फ। देखिए थोड़ी देर में सारी चीजें सही हो जाएंगी, चाहे तो BGP का रीसेट कर सकते हैं, सॉफ्ट क्लियर कर सकते हैं, या वेट कीजिए। अब आप देखिए 1.0 का, जैसे मैंने नेक्स्ट हॉप सेल्फ लगाया 40.2 आ गया, और 50.3। अगर मैं R4 पर बैठा हूँ तो नेक्स्ट हॉप आ रहा है 40.2 ये वाला, और ये 50.3 वाला, जो पहले 10.1 और 20.1 आ रहा था, यानी नेक्स्ट हॉप सेल्फ लगाते प्रॉब्लम दूर हो गई है। और आप देख सकते हैं इसके आगे अब 40.2 को इसने राउट डिसीजन में फर्स्ट प्लेस दिया है, प्रायोरिटी से दी है, और 40.2 इसमें लर्न हो गया है। अब क्या बेस्ट होते ही इसके राउटिंग टेबल में आ गया होगा शो IP राउट BGP, और आप देखिए 1566 सब है, और इसका लोकल है। तो इन दोनों बॉर्डर पर देख लेते हैं AS100 पर क्या हुआ। तो R1 में आप देखिए शो IP राउट BGP,
और आपको नजर आएगा 66.6 क्रॉस हो गया है यहाँ से, जो पहले नहीं आ रहा था। यहाँ देखें, पहले 4 और 5 ही थे S200 के राउट, अब AS300 के भी राउट हैं। ऐसे ही अगर आप R6 पर देखेंगे, शो IP राउट, यहाँ आप देखिए 1 भी आ गया है, 4 भी आ गया है, 5 भी आ गया है, 6 भी आ गया है। शो IP राउट BGP, देख लीजिए क्लियर ज़्यादा होगा। 1, 4, 5, 6 और 66 इसके लोकल हैं, ये S200 के राउट है। 4 और 5 R4 R5 पे, और 1 जो है हमारा S100 का राउट है। तो प्रॉब्लम दूर हो गई है, तो ये जो नेक्स्ट हॉप रीचेबिलिटी का जो प्रॉब्लम थी ये हमने ठीक कर ली। किस वजह से? नेक्स्ट हॉप सेल्फ लगाने से। तो आप बहुत ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब भी इंटरनल BGP बनाएंगे तो नेक्स्ट हॉप सेल्फ लगाना मत भूलिएगा। चाहे आप लूप बैक से बना रहे हैं नेबरशिप, चाहे आप फिजिकल इंटरफेस से बना रहे हैं, तो नेक्स्ट हॉप सेल्फ इंटरनल BGP में 100% आपको लगाना ही है। अन्यथा आपको क्या करना होगा, सारी रीचेबिलिटी IGP के थ्रू करानी पड़ेगी, तभी आप जाकर काम कर पाओगे। अदरवाइज नहीं तो AS to AS कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये था नेक्स्ट हॉप एट्रीब्यूट, वेल नोन मैंडेटरी है, अपडेट में जरूर रहता है, लेकिन थोड़े से इश्यूज हैं इंटरनल BGP और एक्सटर्नल BGP के राउट अपडेशन से रिलेटेड, वो इस कमांड से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में तो मैं यहीं तक रखूंगा। अगले वीडियो में इसी डिजाइन पर AS पाथ के बारे में बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है, सबसे बहुत ज्यादा यूज में है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।